रेलवे जीआरपी थाने की पुलिस ने आउटर पर सो रही महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पश्चिमी छोर पर तिकोनिया पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राजा उर्फ इम्तियाज मोहम्मद अंसारी पुत्र गुड्डू अंसारी ग्राम भरवा धर्मपुर वार्ड नंबर 5 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया, दूसरा अंकित पासवान पुत्र प्रेम पासवान निवासी ग्राम गंदौली थाना राखो जनपद बेगूसराय बिहार, तीसरा संतोष चौहान पुत्र स्वर्गीय जयशंकर चौहान मोहल्ला कृष्णानगर चौराहा निकट सरस्वती विद्या मंदिर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी रेलवे ने बताया कि 7 सितंबर को रात्रि करीब 11 बजे पीड़ित महिला एक व्यक्ति के साथ धर्मशाला रेलवे अंडरपास पुल के पश्चिम तरफ सब्जी मंडी के पास सिलापट पर बैठकर बात कर रही थी। उसी समय तीन व्यक्ति वहां पहुंचे और महिला के पास बैठे हुए व्यक्ति को जबरदस्ती धमकाकर भगा दिए और महिला को जबरदस्ती पकड़कर डरा धमकाकर तीनों व्यक्ति सब्जी मंडी के पास ही झाड़ियों में ले गए, जहां पर तीनों व्यक्तियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पीड़िता को वहीं पर छोड़कर भाग गए। पीड़िता किसी तरह दर्द से कराहते हुए रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित थाना जीआरपी गोरखपुर के पास पहुंची। प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी गोरखपुर द्वारा पीड़िता के बताए गए तथ्यों के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पीड़िता का उपचार व चिकित्सकीय प्रशिक्षण कराने हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पीड़िता का इलाज हो रहा है। अब वह सामान्य स्थिति में है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, विनोद कुमार राय, विजय शंकर यादव, उप निरीक्षक रामदयाल यादव, हेड कांस्टेबल पवनीश कुमार पांडे, आशुतोष कुमार सिंह, कमल सिंह, उदय शंकर, सूर्य प्रकाश चौधरी, राम सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, पीछे आओ, मोहर्रम पीछे आओ, पीछे आओ, मास्क लगा है। जो इसमें मोबाइल है उसी मोबाइल फोन के सर्विलांस में उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, उसके आधार पर किसी से भी जो भी तथ्य आते हैं सामने उसको हम तस्दीक करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। विवेचना हमारी चल रही है अभी। 7 तारीख की रात में करीब 11:30 बजे एक महिला रेलवे स्टेशन पर आई और उन्होंने ये बताया कि उनके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना के आधार पर एक तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, उनको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और उस घटना के अनावरण के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा टीम अलग अलग गठित की गई। जनपदीय पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में और गोरखनाथ सीओ के नेतृत्व में शाहगंज गोरखनाथ के इंस्पेक्टर साहब लगे थे। हमारे तरफ से सीओ जीआरपी के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें गोंडा बस्ती और हमारे 5 SO लगे थे। इन टीमों के संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों को चिन्हित किया गया और उसमें से 3 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। ये अभियुक्त यही स्टेशन के आसपास कबाड़ी का काम करते थे। एक अभियुक्त उसमें से
बिहार का रहने वाला है और दो यहीं के लोकल रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी तक तीन अभियुक्त चिन्हित हुए हैं, विवेचना हमारी प्रचलित है और जो भी कार्यवाही आगे है उसको की जाएगी। महिला महाराजगंज की रहने वाली थी और उनकी शादी नेपाल में हुई थी, उनके पति से उनका तलाक हो गया था और घर से कुछ विवाद हुआ जिसके नाते वो गोरखपुर चली आई थी और यहाँ करीब 7 दिन पहले से ही विभिन्न स्थलों पर उनका लोकेशन प्राप्त हुआ। देखिए, हमने पहले बताया ना कि हमने 5 टीमें गठित किया और एसपी क्राइम के नेतृत्व में भी टीम गठित थी। एक टीम हमारी जो पीड़िता महिला थी वो एसपी क्राइम के नेतृत्व में वहाँ पहले से ही मौजूद थी, हमेशा उसके संपर्क में रही। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम थी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, जो सर्विलांस की टीम थी वो सर्विलांस के काम में लगी हुई थी, जो अभियुक्तों की तलाश में टीम थी वो अभियुक्तों की तलाश में लगी हुई थी। इस तरह से जनपदीय पुलिस और रेलवे पुलिस के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप ये सफलता हमें हासिल हुई। अब जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए कठोर से कठोर दंड देने के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। ये तो न्यायालय में प्रकरण चलेगा, इसका बहुत ही अच्छे ढंग से पैरवी की जाएगी और सख्त सख्त सजा का प्रयास कराया। हाँ, 10,000 रुपये टीम के पुरस्कार की घोषणा मैंने किया है। इसमें से कोई अभियुक्त ऐसा नहीं है जिसने इसके पहले कोई घटना रजिस्टर्ड उनके खिलाफ नहीं है। लोकेशन मिला वहाँ से इनको गिरफ्तार नहीं, जो पकड़े गए हैं ये रेलवे स्टेशन के पास से पकड़े गए हैं, वहीं पर नहीं थे उस समय आ गए थे, वहीं से गिरफ्तारी वहीं से हुई। ये स्टेशन पर ही कबाड़ का काम, स्टेशन के आसपास जो एरिया है वहीं कबाड़ बिनने का काम करते हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं उसी से। इसमें नहीं है वो व्यक्ति जिसको उसने मोबाइल फ़ोन अपना दिया था उसी के साथ उसका आना जाना था। हाँ, उसका नाम इसमें नहीं है लेकिन जिसको उसने मोबाइल फ़ोन दिया था वही व्यक्ति था, उसी के साथ वो गई है वहाँ पर और 7 तारीख को ही उसके साथ एक आध बार और वो निकली थी घूमने के लिए। ये सारी बातें हैं, विवेचना भी प्रचलित है और अभी तो वादिनी का 164 का बयान होगा, सारी प्रक्रिया है। हाँ, ऑपरेशन हुआ है, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ है वो, इस समय सामान्य स्थिति है। हमारी एसपी क्राइम लगातार सुपरविजन में थी, लगातार हमारी महिला कांस्टेबल वहाँ पर हैं। अब ये तो डॉक्टर बता सकते हैं, उसके बारे में वो टेक्निकल चिकित्सकीय चीज़ है।